सो फाइनली जगदल 2024 के राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका है। आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लेना, पर ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि राउंड 5 का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये गेम चेंजर राउंड है, इसमें आपको जो बेस्ट पॉसिबल मिल सकता है वो मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा रैंक का जंप होता है और आपको इवन दो दो ब्रांचेस ऊपर तक की ब्रांचेस भी मिल जाती है। और स्पॉट राउंड होता है, इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होता है, फिर उसके बाद आपके ओरिएंटेशन क्लासेस, ये सारी चीज़ें होने वाली है वो भी बताऊंगा। बट ये याद रखो मेन चीज़, अगर आप 5 राउंड तक आपने कोई भी सीट मिल चुकी है, आप उसे एक्सेप्ट कर चुके हो, तो आपको स्पॉट राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। एक छोटी सी बात ये बतानी थी, बाकी इन डिटेल मैं सारे बताने वाला हूँ, सो वीडियो एंड तक जरूर देखो। सो हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ देवा, फर्स्ट ईयर आईटी स्टूडेंट हूं, टर्निंग टू माय सेकंड ईयर डेल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू। सो क्योंकि मैं डीटीयू का स्टूडेंट हूं, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इन डिटेल नॉलेज है। सो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आने वाली है, लाइक सब्सक्राइब अभी से कर दो। सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको राउंड 1, 2 या 3 में कोई सीट मिली है, आपने सीट एक्सेप्टेंस सीट पे कर दी, आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा चुके हो, सो अब आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली बस रोड पे रखो, आपको और अच्छी ब्रांच जो भी मिल सकती होगी राउंड 5 में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको वही ब्रांच चाहिए, वही सीट ऑप्शन चाहिए जो आपको अभी मिल चुका है, सो आप फ्रीज कर देना, आपको और कुछ नहीं करना, बस फिर ओरिएंटेशन और क्लासेस होगी आपकी। पर आई प्रेफर कि फ्लोट पे रखो ताकि और अच्छा जो भी बेटर हमें मिल सकती है ब्रांच और अच्छा कॉलेज मिल सकता है तो हमें मिल जाए, ठीक है। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट भी है इन द एंड ऑफ द वीडियो, इसलिए वीडियो पूरी आप भी देखो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको राउंड 4 में पहली बार सीट मिली है, आपको अभी तक कोई सीट नहीं मिली थी, तब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है जो कि 95,000 होती है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाना है। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने कब जाना है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको एज अ दिल्ली स्टूडेंट हो, अगर यानी आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी दिल्ली है, सो आपको दिल्ली वाले स्टूडेंट को जाना है 18 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने। अगर आप आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट हो तो आपको 19 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाना है। ये कहाँ जाना है, जो आपको सीट मिली उसी कॉलेज जाना है। सपोज आपको NSUT मैकेनिकल मिली, आपको NSUT जाना है। IIIT दिल्ली CSEI मिली, आपको IIIT दिल्ली जाना है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको जो भी सीट मिली है आपको उसी जगह डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाना है। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, स्पेशली इसमें इन डिटेल मैंने बताया, 5-10 मिनट की वीडियो, छोटी सी वीडियो, पर इसमें इन डिटेल बताया हुआ एक एक डॉक्यूमेंट की आपको क्या क्या ले जाना है, कोई और डॉक्यूमेंट ले जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, इसलिए वही वीडियो एक फुल पैक वीडियो है, आपको सब कुछ उसमें बताया हुआ, वो जाके एक बार ही चेक कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, वो आपको कब करनी है, जब अभी से लेके जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने नहीं जाते उस टाइम इंटरवल के बीच में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। अब आई प्रेफर कि अभी से फी पे कर दो ताकि बाद में परेशानी ना हो, पेमेंट कभी कभी फेल भी हो जाती है, कुछ हो जाता है, सो पहले से ही आप करके रखोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको उसके बाद क्या करना है, जैसे बाकी ने सबमिट, जैसे विलिंग ने सबमिट करी, आपको भी करनी है। इसमें क्या होता है, फ्रीज और फ्लोट, फ्लोट में यही होता है कि अगर आपको और अच्छे ब्रांच और अच्छे कॉलेज जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी है उसमें और अच्छे ऑप्शंस अगर आपको मिल सकते हैं अगले राउंड में तो आपको वो मिल जाएंगे अगर आप फ्लोट पे रखोगे। अगर फ्रीज करोगे तो जो आपको अभी सीट मिली है वो आपकी लॉक हो जाएगी, आपका एडमिशन हो चुका है, बस आपको क्लासेस लेने, ओरिएंटेशन लेने जाना है, आपको और कुछ नहीं करना। सो आई प्रेफर फ्लोट पे ही रखना ताकि अगर आपको और कुछ अच्छा मिल सके तो मिल जाए, ठीक है, हमारे लिए बेटर ही होता है अगर हमें और अच्छा मिल जाए। अब अगर आपको ये फ्रीजिंग करनी है, सीट फ्रीज करना है, तो आपको 19 जुलाई को 10:30 PM तक फ्रीज करना है। और अब बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, सब ध्यान से सुन लेना। अगर आपको विड्रॉ करना है, विड्रॉ कौन करते हैं, विड्रॉ वो लोग करते हैं जिनको दूसरे काउंसलिंग में या दूसरे कॉलेज में आपको सीट मिल चुकी है, आपको वहाँ जाना है। जैसे मान लो कुछ कुछ लोगों को NITs में मिल जाती है, IITs में मिल जाती है, तो ऑब्वियसली जगदली को विड्रॉ कर लेंगे, या फिर कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको DTU NSUT में मैकेनिकल सिविल मिल रही है वो नहीं लेना चाहते, IPU में CS या EE जैसे ब्रांचेस लेना चाहते वो विड्रॉ करते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको जगदली में पार्टिसिपेट करा था, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी, सीट ले ली थी, बट अभी आपको विड्रॉ करना है, दूसरी काउंसलिंग में जाना है, दूसरे कॉलेज में जाना है, तो अभी आपके पास टाइम है अपने पैसे वापस लेने का, रिफंड आपको मिल जाएगा सारे पैसों का। सो आप 19 जुलाई को 10:30 PM तक जरूर अपने विड्रॉ कर लेना अगर इन सारी सिचुएशन में से आपका कोई भी केस है। अब आपको क्या होगा, 95,000 में से वो 1,000 रुपये एज अ चार्ज काट लेंगे, फिर आपको 94,000 रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे, वो 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, महीना भी लग जाता है, बट आपको इन द एंड आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा रिफंड, तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये हार्ड एंड मनी होती है, अगर आपको विड्रॉ करना है सीरियसली तो 19 जुलाई से पहले पहले विड्रॉ कर लेना। अगर आपको इन कॉलेज में नहीं आया तो विड्रॉ जरूर कर लेना, अपने पैसे बर्बाद बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और फिर उसके बाद आप दूसरे कॉलेज जहाँ पर भी आपको काउंसलिंग में, जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिल रही है, आप जाकर वहाँ ले सकते हो। अब इसमें और क्या होता है, अब मेन बात होती है कि राउंड 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे 4 राउंड होगा इसमें, जैसे नॉर्मल चल रहा था राउंड 5 भी वैसे ही चलना चाहिए, कुछ हमारे को अलग क्या दिखने वाले, अलग दिखने वाले क्यों, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया राउंड 4 के बाद अभी विड्रॉ करने के बहुत ज़्यादा लोग चाहेंगे कि विड्रॉ कर लूँ मैं, बहुत ये हर काउंसलिंग में होता है, सिर्फ जैक में नहीं होता, जोसा में भी होता है, IPU के काउंसलिंग में भी होता है कि लास्ट राउंड से पहले आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन आता है,
इसके बाद आपको फिर विड्रॉ करोगे तो आपको पैसे आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, आपको वो सारे 95,000 रुपीज़ वेस्ट जाएंगे, इसलिए विड्रॉ अभी कर लेना। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे विड्रॉ कर लेते हैं, तो जो उनकी सीट मिली थी वो छोड़ देते हैं, वहाँ पर वैकेंसी आ जाती है, तो सब के अच्छे अच्छे ब्रांचेज और मिल जाती है। सो आपको कभी कभी इतना हो जाता है कि आपको दो दो ब्रांचेज ऊपर तक का भी मिल जाता है, जैसे आप लोअर ब्रांच में, खासकर लोअर ब्रांच में बहुत ज़्यादा जंप होता है। मान लो आप DTO सिविल में हो, आपको पहले अभी जो राउंड 4 तक मिला वो सिविल मिला, हो सकता है आपको मैकेनिकल मिल जाए राउंड 5 में, इतना ज़्यादा जंप हो जाए, हो सकता है और कोई अच्छी ब्रांच मिल जाए। सो वो होता है कि बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिलता है, अभी जितना जंप दिख रहा था उससे ज़्यादा ही जंप राउंड 5 में फॉर श्योर आएगा। सो आप थोड़ी होप्स ज़्यादा रख लो कि हाँ अब हमें बेस्ट चीज़ मिलने वाली है, और फिर उसके बाद हमारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी राउंड 5 के बाद, और हमारा फिर जो ओरिएंटेशन है, क्लासेस है, वो सारी शुरू हो जाएगी। ओरिएंटेशन और क्लासेस का शेड्यूल DTO का आ चुका है, मैंने पिछली वीडियो जो राउंड 3 के बाद मैंने बनाई थी उस वीडियो में मैंने पूरा DTO का शेड्यूल शेयर करा हुआ है, वहाँ जाके एक बार थोड़ा सा देख लेना अगर आप DTO आ रहे हो खासकर, तो वो चीज़ ज़रूर देख लेना। और खासकर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ये सारी चीज़ें थी और कुछ अब इसके बाद होगा नहीं है, इंटरनल अपग्रेडेशन में एक छोटे सा राउंड होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके और अपग्रेड हो, उसमें होता क्या कि आपके जो कॉलेज आपको मिल चुका है, चाहे DTO मिला हो, चाहे NSUT मिला हो, चाहे जो भी राउंड 5 तक आपको कॉलेज मिला, अगर उसी कॉलेज में आपको और अच्छे ऑप्शन मिलने की चांसेस है तो वो दे देते हैं, ठीक है। इसमें कभी भी कॉलेज चेंज नहीं होता, जैसे राउंड 4 में मान लो NSUT मैकेनिकल थी, राउंड 5 में DTO डबल ई मिल सकती है, कॉलेज चेंज हो सकता है, पर इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड में कभी भी कॉलेज चेंज नहीं होता। इसका नाम ही इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड है, यानी उसी कॉलेज के इंटरनली कोई अपग्रेड हो सकता है तो वो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी इतनी सी बात है, पर चांसेस बहुत कम होते हैं, पूरी क्लास में एक या मैक्स दो बच्चों का वो अपग्रेड होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, और वो भी अपग्रेड खासकर नीचे वाली ब्रांचेस में जाता होता है, ऊपर वाले में फिर भी कम ही अपग्रेडेशन मिलती है, ठीक है। सो दैट्स यही सारी बातें थी। अब आपको बता दूं, अगर आप जगदली के किसी कॉलेज में जा रहे हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करना और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, खासकर अगर DTO आ रहे हो तो ये दोनों चीज़ें तो मिस कर ही नहीं सकते, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। DTO आने के बाद भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आपके लिए बहुत ज़्यादा अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी, तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप स्टूडेंट हो जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली, तब भी परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी लास्ट राउंड है, और खासकर मैंने बताया जंप ज़्यादा होता है, सो ऑब्वियसली चांसेस है कि अब आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी ज़रूर, सो लगे रहो, आपको कोई ना कोई सीट जरूर मिल जाएगी, नहीं तो और काउंसलिंग हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्राइवेट कॉलेज या फिर ड्रॉप लेना चाहे हम वो ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे। अगर कुछ भी डाउट हो आपको कमेंट में पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को DM भी कर सकते हो फॉलो करके। स्पॉट राउंड के लिए आपके लिए अलग वीडियो आएगी। स्पॉट राउंड में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने पहले 5 राउंड में कोई भी सीट ले चुके हो, आप एक्सेप्ट कर चुके हो, तो आप स्पॉट राउंड में नहीं बैठ सकते। अगर आपने विड्रॉ कर दी थी या आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था, बहुत लोग हैं जिन्होंने जगदली में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, शुरू में रजिस्ट्रेशन जब हो रही थी तब रजिस्टर ही नहीं करा, तो उनके पास अब मौका है जगदली के कॉलेज में आने का, वो स्पॉट राउंड में आ सकते हैं और उनको अपनी जो कॉलेज मिल सकता है वो मिल जाएगा। तो स्पॉट राउंड के लिए एक अलग से वीडियो डेडिकेटली बन जाएगी, अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में लिख दो कि आपको स्पॉट राउंड के लिए वीडियो चाहिए, मैं थोड़े दिन में बना के दे दूंगा, और जैसे कुछ भी शेड्यूल आता है, अपडेट आता है, मैं बता ही दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर दो अपडेट पाने के लिए, और बाकी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।